तो गांव में भ्रमण करते करते हमें मिल गए हैं जेवर विधानसभा क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, जिनकी तारीफों के पुल यहां पर गांववासी बांधते हुए नजर आए। तो धीरेन्द्र जी, जब हमें मिल गए हैं तो कुछ सवाल जवाब तो उनसे बनता ही है। जी मीडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जिस तरह की इस वक्त परिस्थितियां चल रही हैं, क्या लगता है मुस्लिम वोट बैंक किस खाते में जाएगा, किस राजनीतिक दल के साथ जाएगा? अयोध्या का मुद्दा, अयोध्या के मुद्दे के बाद काशी मथुरा का मुद्दा, 2022 में मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ? देखिए, जहां तक हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो विकास पिछले 4.5 साल में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, जहाँ हम खड़े हुए हैं इसके आसपास एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, तो यहाँ इतना विकास देखकर यहाँ के जो हमारे मुस्लिम भाई भी हैं वो एक स्वर से इस बार मुक्त कंठ से कह रहे हैं कि हमें शिक्षा के लिए काफ़ी सहूलियत मिली है, हमें सुरक्षा मिली है, हमें विकास मिला है। अब तक जो राजनीतिक पार्टियाँ थीं उनका कहना है कि उन्होंने हमारा बेवकूफ़ बनाया, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में तो मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहाँ तक आपने काशी और अयोध्या की बात करी, तो ये तो आस्था के प्रतीक हैं हम लोगों के लिए, और इस मुल्क के जनमानस में जो अयोध्या और काशी तो बहुत ही प्राचीन शहर है। मानव सभ्यता का जब विकास हुआ था, मैं तो दुनिया का उसे सबसे प्राचीन शहर कहता हूँ, तो ये हम भावनात्मक रूप से इन सभी मंदिरों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक जगह भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और एक जगह भोले बाबा की नगरी कही जाती है। तो निश्चित तौर से हम विकास को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सेकंड इकोनॉमी बना है अगर हम राज्यों की तुलना करें महाराष्ट्र के बाद, और कोरोना के 2 काल में भी जितना पूंजी निवेश और औद्योगिक निवेश इस क्षेत्र में हुआ है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, वो हम सुरक्षा का कारण कह लें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक माहौल दिया इस प्रदेश को सुरक्षा का, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश की प्रगति का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाएगा और उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी यह जेवर क्षेत्र बनेगा, क्योंकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास भी देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। लेकिन कई बार कानून व्यवस्था, सुशासन, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों को छोड़कर राजनीतिक क्षेत्रों में तुष्टीकरण की राजनीति सामने आती रही है, वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश होती रही है, तो क्या आपको लगता है कि दूसरी पार्टियां तुष्टीकरण की अगर राजनीति करती हैं या अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश करती हैं, तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अन्य पार्टियों की तरफ भी भटक सकता है? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सभी समाज में लोगों को असलियत से रूबरू कराते हैं। और देखिए, जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि समाज के अंतिम छोर तक सरकारी योजनाएं पहुँचें और उसको ऊपर लाया जाए अंतिम छोर को, तो वो इस सरकार ने संभव किया है। आप किसान सम्मान निधि की बात कर लें, या गरीबों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, या फिर प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जिस तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाया गया, वह आज से पहले आज़ादी के बाद से कभी भी किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ, जितना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश के गरीबों को ऊपर उठाने के लिए सरकारी योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाया। इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, साथ ही पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब, क्या आपको लगता है कि सेंधमारी हो सकती है वोट बैंक में? देखिए, ये लोग तो एक, मैं कहूंगा कि समाज पर अभिशाप हैं, क्योंकि हम एक तरफ जब मुल्क की मजबूती की बात करते हैं उसके बाद हम जातीयता का और धर्म का जहर घोलें, तो निश्चित तौर से ये राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं। आज हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर यह देखना चाहिए कि आज देश एक मजबूत हाथों में, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का सम्मान विदेशों में बढ़ाया, एक मजबूत प्रशासक के तौर पर इस प्रदेश में जो जाल फैलाया है, आप देखिए हाईवेज कितने बने, मेट्रो लाइनें कितनी बिछाई गई हैं, एयरपोर्ट कितने बने, तो कुल मिलाकर वह राष्ट्र की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो ताकतें हैं, यही सबसे बड़ा कष्ट है कि ये कहीं मुल्क मजबूत ना हो जाए
इसलिए ये राजनीतिक पार्टियां अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही कहूँगा मैं तो, जो ये लोग देख रहे हैं, जो कि लोग समझ चुके हैं कि प्रदेश भी मजबूत प्रशासक के हाथ में है और मुल्क भी मजबूत शासक के हाथ में, इसलिए इनके रहते हुए ही प्रदेश और देश का विकास संभव है। धन्यवाद सी मीडिया से बात करने के लिए। नमस्कार।